उनकी सुरक्षा के लिए ना कैमरा लगा हुआ है ना यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। सालाना जो खर्चा आता है वो पैसा आप कहाँ क्या करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। खोटी का बिरसा कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जहाँ जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए आते हैं। इसी क्रम में ये बता दें कि कॉलेज परिसर में आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की अलग अलग व्यवस्था की गई है और ये छात्रावास भगवान भरोसे है। छात्राओं का शिकायत है कि छात्रावास परिसर में सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे गार्ड नहीं है या CCTV कैमरा भी नहीं है। इसके अलावे पेयजल का भी सही व्यवस्था नहीं है। इसके अलावे भी कई प्रकार की समस्याएं बताई। वहीं इस शिकायत के मिलने के बाद जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया के अगुवाई में आज जिला परिषद की टीम छात्रावास पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्राओं से बातचीत किया, वहां हो रहे समस्याओं के बारे में जाना। तो आइए सुनते हैं कि मसीह गुड़िया ने वहां छात्राओं को हो रहे समस्याओं के बारे में क्या कुछ बताया है। छात्रों के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ना कैमरा लगा हुआ है ना यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। पानी की आवश्यकता है और टंकी यहाँ पर मात्र 4 ही टंकी लगा हुआ है और स्टूडेंट लगभग यहाँ पर 200 प्लस रहते हैं और अपना व्यवस्था खुद करते हैं। पहले जैसे EVM के नाम पे नीचे वाला ब्लॉक को जो है बंद रखा गया था, लेकिन अब EVM नहीं है, उसके बावजूद भी बंद है, इसको लेकर के क्या करेंगे आप लोग? देखिए यहाँ पर अभी तक उसको EVM तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन अभी फिर भी बिना कारण के ये लोग सील कर दिया गया है। उसको लेकर के आगे क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए हम विभागीय मीटिंग होगा, विभागीय जो बैठक होती है उस समय इस बैठक को हम रखेंगे और यहाँ से अगर नहीं होता है तो हम जो संबंधित मंत्री जी हैं उनके पास ये समस्या को अवगत कराएंगे। इसी क्रम में खूंटी से जिला परिषद सदस्य सुशील सांगा ने भी संबंधित विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई। उन्होंने अपने शब्दों में संबंधित विभाग के खिलाफ क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। इसमें हम लोगों ने आज जो भी सदस्य हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, हम लोगों ने जब इस कॉलेज की मतलब इस हॉस्टल के विषय में हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग तुरंत आपस में राय मशवरा किए और तुरंत यहाँ आए निरीक्षण करने के लिए और जो भी समस्या देखे, तो हम लोग इसके लिए वहीं बात कर लिए थे कि जो कल्याण विभाग के अंडर में आता है ना, तो उससे हम लोग नेक्स्ट मीटिंग अरेंज कर रहे हैं और उसी में उन लोग से इस मैटर को उठाएंगे और उसमें हम लोग बात रखेंगे कि सालाना जो खर्चा आता है वो पैसा आप कहाँ क्या करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आधार में एक्शन लिया जाएगा विभाग को और तुरंत कार्रवाई के लिए एंट्री किया जाएगा जिला परिषद की ओर से। तो अभी आपने सुना जिला परिषद के सदस्य सुशील सांगा ने भी नाराजगी जताई। इसी क्रम में ये बता दें कि जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया ने आगे छात्रावास परिसर में फैल रहे गंदगी व वहाँ झाड़ियों को लेकर और पेयजल व्यवस्था को लेकर भी क्या कुछ बताया है, ये भी जरा सुनिए। यहाँ पर तो पेयजल की समस्या है और यहाँ पर एकमात्र कुआँ है और इसमें 250 प्लस छात्र हैं, वे जब टंकी का पानी ख़त्म हो जाता है तो इस पर इतने लोग नहाते हैं और वो भी बारी बारी करके नहाते हैं। एक कुआँ से 250 विद्यार्थियों के लिए पानी उपलब्ध हो जाता है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो आप पानी दिखेंगे तो ये बिल्कुल भी पानी है गंदा है और ये पानी लाल हो गया है और चारों तरफ यहाँ पे झाड़ी है और जो भवन बना हुआ है भवन में भी वहाँ पर जो खिड़की है, खिड़की में ग्लास तो टूटा हुआ है, उस स्थान पे ये बोरी लगा हुआ है और भवन के ऊपर में पेड़ भी उगा गया और जो मैनेजमेंट समिति है उसकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी रही है, लेकिन अपना कर्तव्य का पालन अभी तक नहीं कर रहे हैं, जबकि इनके लिए पैसा हर वर्ष आता है और ये पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। आप चूँकि आप जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और आपके साथ सभी सदस्य भी हैं जिला परिषद के यहाँ आज पहुँचे हुए हैं, तो इस विषय को लेकर आप लोग किस प्रकार से अगला कदम उठाएंगे अगर सही समय पर काम नहीं होता है? देखिए इस पर अगर जो समस्या है समस्या का निदान नहीं होता है तो आगे की कार्रवाई के लिए हम तैयार। बताते चले कि जिला परिषद की टीम द्वारा
बॉयज हॉस्टल का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने कई प्रकार की कमियां देखी। बता दें कि बॉयज हॉस्टल में भी छत काफ़ी जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि बॉयज हॉस्टल में भी पेयजल सहित कई समस्याएं हैं। बताते चले कि जिला परिषद के इस निरीक्षण टीम में अध्यक्ष मसीह गुड़िया के अलावे सुशील सांगा, जोरोंग आइंद, दयामणि मुंडू सहित जिला परिषद के सभी सदस्य मौजूद रहे। तो खूंटी जिले की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खूंटी जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें।